हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की आपूर्ति 2023 से शुरू करेगा और 2027 तक पूरे 83 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। इनमें 73 तेजस MK-1A लड़ाकू, 10 ट्रेनर विमान होंगे। इसी तरह पहले अनुबंधित किए गए 40 तेजस MK-1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी की जाएगी। भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस MK-1 विमानों में से 25 मिल चुके हैं। 11 अन्य ट्रेनर विमानों के पहले लॉट की आपूर्ति अगले साल मार्च तक होने की उम्मीद है। शेष 4 विमानों की आपूर्ति 2023 के मध्य तक वायुसेना को की जानी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है, इसलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। वायुसेना चरणबद्ध तरीके से LCA वेरिएंट, MRFA और AMCA के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के प्रयास में है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।